तो बेटा फिफ्थ क्लास का ये 9.1 एक्सरसाइज का 11 नंबर सम है। इसमें दिया हुआ है कि हमें एक बिस्कुट का पैकेट दिया है, ये जो है एक बिस्कुट का पैकेट है, तो इसके ऊपर इसमें इसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, इसकी जो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। लेंथ इसकी ये ब्रेड्थ इसकी 9 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर 30 बिस्कुट है। कितने बिस्कुट हैं? 30। तो हमने बताना है कि हर एक बिस्कुट का वॉल्यूम कितना होगा। पहले हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालेंगे, बिस्कुट बॉक्स पैकेट है, इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर दिया गया। 59 का बाद 35, 6 करेंगे तो 33 और 33 का 18, 18 की 21, 2, 6 और 8, 800 एंड 810 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया। 30 बिस्कुट का एक वॉल्यूम ऑफ 30 बिस्कुट इक्वल टू 810 क्यूबिक सेंटीमीटर, एक का कितना होगा 810 डिवाइड बाय 30। तो 810 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 टू द 60 इक्वल आपके 7 0 0 7 0 21 क्या गया 27 वॉल्यूम ऑफ 1 बिस्कुट 27 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब पहले हमने जो बिस्कुट का पैकेट दिया था उसकी लेंथ 59, उसकी ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 810 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा वॉल्यूम आ गया पैकेट का। तो उसमें 30 बिस्कुट है, ठीक है। तो एक बिस्कुट का वॉल्यूम आ गया, जो जितना पैकेट का वॉल्यूम है उसको हमने 30 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 27 क्यूबिक सेंटीमीटर एक बिस्कुट का वॉल्यूम आ गया। ओके, थैंक यू।